अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और बस सुबह हो गई है और जल्दी जल्दी से यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया है, शूज़ जो हैं वो पॉलिश कर लिए हैं, तो बैग रेडी कर देते हैं। आज शान जो है अपने बैग में जो है ये अपना टॉय मोबाइल लेकर जा रहे हैं। उनका दिल जा रहा है कि मैं छुपा कर एक टॉय लेकर जाऊँ, तो मैंने अलाउ कर दिया कि चलें ठीक है, क्योंकि इनकी टीचर अगर प्रॉब्लम करते हैं तो फिर टॉय अपने पास रख लेती हैं और फिर बाद में रिटर्न कर देती हैं। तो ये स्कूल चले गए हैं, चले गए थे, सब नाश्ता कर चुके हैं, बस अब मैं और मेरी बेटी नाश्ता करेंगी। आज मेरा का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, उन्होंने नाश्ता भी प्रॉपर नहीं किया, तो अब जो है वो स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो हम लोग स्कूल जाने की तैयारियां कर रहे थे। ये जो टाइम है वापसी का, और दोनों बहन भाई जो है एंजॉय करके साथ साथ चल रहे होते हैं, तो मैं रिलैक्स होके चलती हूँ फिर, क्योंकि गाड़ी अभी मान शान ने अपना टॉय मोबाइल मेरा को दे दिया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, तो बस वो उसको पकड़े पकड़े ही चल रही हैं, कहीं छूट ना जाए। और रास्ते में हमको दो तीन दफ़ा मानो भी मिल गई थी, तो उन्होंने उनसे बातें की बैठ के। अच्छा जी, ये हम आ गए थे घर, और मुझे जाना था नहाने, तो बस मैंने जो है शान को पराठा और अंडा का रोल बना के दे दिया है। और इस पॉइंट पर मेरा को भी जो है वो पराठा चाहिए था, और शान शेयर नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर मैंने ख़ुद ही जाके अपने पास से एकने वाला पराठा मेरे को भी दे दिया, तो वो बस खुश हो गई। अच्छा, उनको जो है ना ये होता है कि जो भाई कर रहे हैं तो वो मैं भी वही करूं, तो अगर भाई अंडा पराठा खा रहे हैं तो फिर वो भी लाजमी खाएंगी, वरना वो नहीं खाती हैं इतना शौक से। आज मम्मा ने दूध पीना था, तो मैंने दूध बिस्किट दे दिए थे, मम्मा दूध बिस्किट पी चुकी हैं। आज मैंने मूंग की दाल बनाई है, और मैंने दाल को अच्छे से बॉईल कर लिया है, उसमें मिर्ची हल्दी और नमक डालकर उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बहुत पतली दाल हम नहीं खाते हैं, मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी बहुत ज़्यादा ना पतली। तो दाल मैं ऑलरेडी अपना जो है वो रेडी कर चुकी हूँ, और ये मैं तड़का तैयार कर रही थी, तो मैंने पहले हरी प्याज को दो फांक करके तेल में थोड़ा सा कड़कड़ा लिया, उसके बाद मैंने ज़ीरा डाल के उसको कड़कड़ा लिया, और अब मैं जो है वो ये तड़का दाल में डाल दूँगी। ये देखें, दाल मेरी इस तरह से शक्ल बन गई है इसकी, तो बस अब मैं ये जो तड़का है वो इसमें डाल दूँगी। जब तड़का डालो तो इतना खूबसूरत शक्ल हो जाती है कि दिल खुश हो जाता है। और इसमें मैं डाल दूँगी ऊपर से धनिया,
तो मैं इसको कहती हूँ मूंग हरा मसाले की दाल, क्योंकि इसमें जो तड़का है वो सारा ग्रीन पड़ता है और मुझे ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा। तो आज हम दाल खाएंगे पापड़ और चावल के साथ। कल के थोड़े से फ्राइड राइस भी हमारे पास रखे हुए हैं, तो वो भी हम साथ में गर्म कर लेंगे। तो बस हम अपना खाना इंजॉय करते हैं, साथ साथ हम टीवी भी देख रहे थे। यहाँ पर हम सब बैठकर अपना कल का व्लॉग देख रहे थे और मिरहा को मैं जो है वो खिला चुकी हूँ खाना, वो जल्दी फारिग करवा दिया मैंने, वरना वो फिर रोती हैं चिड़चिड़। आपको खाना है आपको, हाँ भूख लग रही है, चावल खाना है, चावल खाना है, हाँ। अच्छा व्लॉग में क्योंकि फ्राइड राइस नज़र आ रहे थे तो मेरा ने आ करके दो तीन दफ़ा मांगे। यहाँ पर मेरा अपना ही जो है वो खाली प्याला और चमचा लेकर अपनी दादों को और अपनी मम्मा को यानी कि मुझे खाना खिला रही थी, जैसे कि मैं उन्हें खिलाती हूँ। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। चलिए जी हमें दीजिए इजाज़त, हम जा रहे हैं खाना खाने और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे। जब तक हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वालदैन की इज्जत करें और छोटे बहन भाइयों से प्यार करें, खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।